अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मेरे दो दोस्त सिंध के शहर बदीन से मेरे पास आए हैं। इनका नाम है धर्म कुमार मंगलानी, धर्मवीर मंगलानी और ये दिलीप वीर मंगलानी। ये माशाल्लाह ट्विंस हैं और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। हिंदू मज़हब से इनका ताल्लुक़ है और अभी हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये ऑन दी कैमरा रिकॉर्ड किया जाए और एक प्यार और एक मोहब्बत का पैगाम जाए, ठीक है। और इनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि असल हिंदुत्व, हिंदुइज्म का असल अकीदा क्या है, ये स्कूल ऑफ थॉट क्या है, ये कहाँ से चला और इस्लाम को किस नज़र से देखते हैं और इस्लाम की इनके हिंदुत्व में कितनी एक वजूद वो पाया जाता है एहसास का, या ये कितने करीब है रूहानी तौर पे इस्लाम से। तो जानते हैं धर्म भाई से। जी धर्म भाई, यार देखिए कुरान में भी कहते हैं अल्लाह ताला के मालिक एक है। बिल्कुल, हमारे पास गीता में लिखा हुआ है, ठीक है, कि मैं एक हूँ, ठीक है। और संत कबीर का कौल है कि एक कहूँ तो है नहीं, दूजा कहूँ तो कार है, जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। तो हम जहाँ से अर्थ जाने का मतलब इसका अर्थ ये है कि एक कहूँ तो है नहीं, अगर मैं दूसरा बुलाता हूँ ये गाली है, गाली है। अच्छा, जैसा भी है तैसा रहे कहे कबीर विचार, वो इसको मैं छेड़ नहीं सकता, ये बदल नहीं सकता, जैसा है वो ऐसा ही है। हाँ, वैसा ही है, ईश्वर है, ठीक है। जहाँ से भी घूम के आना है, भले आप इस्लाम है उधर से घूम के आए या क्रिश्चियनिटी है, कहीं से भी घूम के आए, हिंदुज़म से भी घूम के आए। संत कबीर कौन थे? संत हिंदू थे। तो उनके ये अपना विचार है। तो उनके ये विचार बताता चलो, भगवत गीता मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। वो रजा भाई जरा एक मिनट आइएगा, ये मुझे पकड़ाइएगा, वो पीछे से श्रीमद् भगवत गीता वो भी उठा के हम दिखा दें कि हमारे पास वो भी मौजूद है, ठीक है। वो पीछे वो उस तरफ ये पड़ी है, ये नहीं नहीं ये साथ इसके ये इधर पड़ी है, ये देख, माशाल्लाह ये किताब है जी, शिवदास स्वामी प्रभुपाद की जो है, ये उर्दू में है, उर्दू वर्जन है, मेरे पास मौजूद है काफी इस तरह की, मेरे पास हमारे पास भी, आपके घर भी यही है, यही पड़ी है, इससे बड़ी भी है। अच्छा, इससे बड़ी है वो, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी है, ठीक है। हाँ, ये भी पढ़ सकते हैं और वो भी पढ़ सकते हैं, उसमें सही तरह जो है ना अर्थ है, अर्थ उसके ज्यादा डिटेल होता है, उसमें डिटेल है, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि हमारे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दामाद मौला अली, जिनको हमने जो अब तक सुना कि हिंदू मज़हब में ओम जो है वो मौला अली को कहते हैं, कल की अवतार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, तो ये चीज़ें कुछ पंडितों के बयानों से हमने अखज़ की हैं, कुछ हमें कुछ उलमा कराम ने भी बताई हैं, तो आपके ज़ुबानी जानना चाहता हूँ प्रैक्टिकली कि आप अहले बैत को, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके ख़ानदान को, मौला अली को, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, अहले बैत को, आप लोग किस नज़र से देखते हैं और आप में क्या अकीदा इनके बारे में? यार, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जो हमारे जब भी ये आते हैं ना मुहर्रम का महीना आता है, तो हमारे गाँव से लेकर हम घरों में जो भी ये हुए थे, ये जो वाक़ियात हुए थे उनके उन मौकों पर न्याज वगैरह हो गया या क्या कहते हैं कि सभी लोग, तो ये सब हम करते रहे हैं। सही, हम तो अभी तक स्टिल कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, हम स्टिल कर रहे हैं, हम इसको अलग तो समझते ही नहीं है ना, ठीक। हम मौला जितने भी हिंदू हैं हमारे इधर, जो पाकिस्तान में, मैं इंडिया तो गया नहीं हूँ, मगर जितने भी पाकिस्तान में, वो सब मौला अली को मानते हैं। हमारे मंदिरों में ये नारे लगे, मैंने खुद नारे लगाए हैं, पंचनारा पंचतनी सवालक नारे हैदरी या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। तो ये हमारे गांव में, हम मंदिरों में ये जो है ना अपना कलंदर की धमाल, हम धमाले पढ़ते हैं, हम तो ये इसको अलग समझते नहीं है। अभी वो एक मुंदरा वजीफा, मुंदरा असल में पंजाबी में वजीफे को कहते हैं, तो अभी एक वजीफा बता रहे थे आप जो या आप वो पूरा बताया जरा था। या अली या वली या साहेब करम, सदका हसन हुसैन का रख दे मेरी शर्म, मेरी शर्म, मदद करो मदद को पहुंचो, अब उतने मदद है, या शाह नजफ तुझको मोहम्मद की कसम, तुझको मोहम्मद की कसम है। वाह वाह वाह, ये देखें जी, हिंदू हैं और मदद तलब कर रहे हैं मौला अली से, और उनको उनकी फैमिली का, उनकी औलाद का वास्ता दे रहे हैं, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर उसे मदद तलब कर रहे हैं। और अभी आप कुछ मुझे वो चैंटिंग का भी बता रहे थे कि वो आप ध्यान में, योगा में भी वो ओम का मैं अर्थ बता रहा था। ओम में जो है ना तीन अक्षर है, ठीक है, अलफ वाव और मीम, ठीक है। ओम को हम अगर उच्चार दें ना तो हमारी बॉडी की एक्टिवेशन होती है, ठीक है। जैसे अलफ है, अलफ जो निकलता है ना उसको हम सही तरह से उच्चारें ऐसे निकलता है,
वो जैसे आप बॉडी बता रहे हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इस पोजीशन में जब वाव जोड़ते हैं इधर आ जाता है वो अलिफ यहां पे है अलिफ इधर है नाभि में नाभि में ठीक है जब वाव ऐड करते हैं इधर आ जाता है और जब नाभि बेली टमी को कहते हैं हिंदी में नाभि जब मीम ऐड करते हैं ना इधर आ जाता है पूरा तो जितने भी ये 7 चक्रा है ना उनकी एक्टिवेशन होती है अगर ये हम 15-20 मिनट करें ना हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और स्ट्रेस और ये डिप्रेशन इससे तो ये तो उसके लिए समझो मजाक है ठीक अगर ये कर लेंगे और आपने कौन कौन से ये किए हुए हैं चार्टिंग में मैं करता रहता हूँ मेरे रूटीन में योगा है कपालभाति ठीक है अनुलोम विलोम ठीक और ये ओम की चांटिंग और उसके बाद मैं हरे कृष्णा की माला देता हूँ और मैं करता हूँ मैं मौलाली के लिए ये अपना ये तो हमारे अल्लाह का भी अल्लाह का बिरदाव करते हैं हाँ वो मैं करता हूँ वो मैं जब वॉक कर रहा होता हूँ ना तब भी कर रहा होता हूँ ये जो मैंने बताया ना या अली या अली या ये तो मैं तकरीबन 2-3-4 साल तकरीबन करता रहा हूँ ये अच्छा आप अल्लाह का विरद करते हैं वॉक के दौरान तो क्या फील करते हैं पॉजिटिव एनर्जी आती है सही 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 अच्छा मुझे बताएं कि ये जो शराब है अक्सर हमें मूवीज़ में और ड्रामों में इंडियंस ड्रामों में दिखाया जाता है हिंदू कल्चर में कि शराब पीना वो मायूब नहीं समझते गलत नहीं समझते तो आपकी इस बारे में क्या राय है शराब के बारे में शराब हमारे पास भी हरामी लिखी हुई है किस में ऋग्वेद में भगवत गीता में गीता में लिखा हुआ है अच्छा भगवत गीता में शराब हराम है हराम है मगर क्या है हमारे कल्चर में ठीक हमारा जो कल्चर है ना हमारे कल्चर में ये मेहमान नवाजी में शुमार है ठीक है अगर ये हम नहीं रखते ना तो समझो धर्म के हिसाब से हमें नहीं यानी कि शराब पीने से आपका भी धर्म भ्रष्ट होता है हाँ भाई धर्म के हिसाब से हराम ही है ठीक ठीक हाँ मेरे हिसाब से हराम है दूसरी राय नहीं है इसमें मेरे हिसाब से हराम है एक हमारे ऊपर है अपना करम नवाज़िश है अपना पाकिस्तान गवर्नमेंट की इन्होंने हमारे लिए हराम नहीं हलाल कर दिया नहीं उन्होंने खुद ने पीना है ना यार बाकी तो हम असल में ये तो आप बता रहे हैं ना असल में तो क्रिश्चियनिटी को भी परमिट है अलाउड यहाँ पे उनको अलाउ कर दी गया और इधर है कितनी अकलियत 50 लाख है मेरे ख्याल में और 50 लाख के लिए 21.5 करोड़ लोग सर्वाइव तो नहीं कर रहे लाजमी वो मजे ले रहे हैं ना तो ये सर्वाइवल नहीं है ये मजा है ठीक 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 और ये जो मेरे पास इधर एक किताब पढ़ी है कि उसमें जिक्र है कि जो कल्कि अवतार एक करेक्टर आपके हिंदू मज़हब में है वो आप के यही कहते हैं कि ये इसकी जितनी भी निशानियाँ मिलती हैं वो आप सरकार से और मौला अली को ओम से आप लोग वो करते हैं रिलेट करते हैं ये क्या हकीकत है इसमें यार इसके बारे में जो है ना मैंने ज़्यादा जो है ना पढ़ा नहीं बाकी हाँ पढ़ के इसके बाद में आपको ज़्यादा जो सही बेहतर जवाब है वो दूँ कि हम क्योंकि मैंने जो सुना है कि आप सरकार को ये लोग कल्कि अवतार कहते हैं हम तो अलग मानते ही नहीं अच्छा अलग तो मानते ही नहीं है वो तो मैंने पहले का अलग मानते ही नहीं हिंदुज्म जो है ना वो अलग मानता ही नहीं है अच्छा आपका हिंदू मजहब में कौन से बरादरी कास्ट के है और कौन से भगवान के फॉलोवर हैं आप भगवान एक ही है अच्छा भगवान एक ही है हम कृष्णा के फॉलोवर हैं अच्छा